ये फैसला नहीं हो सका कि आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ बन सकते हैं? अमेरिका को पसंद नहीं था, इसी वजह से नहीं बनाया गया। अमेरिका ने इनकार कर दिया आपको आर्मी चीफ बनाने से? हर कोई जानता है मिठाइयां तकसीम हुई जब मैं नहीं बना। इंडियन एम्बेसीज के अंदर मिठाइयां तकसीम हुई, तो गवाह हैं, लिखा लोगों ने इसके ऊपर, मैंने नहीं लिखा। हिकमत यार साहब की किताब में भी है जिक्र के गुलाम इसहाक खान ने कहा कि अमेरिका पसंद नहीं करेगा। हिकमत यार ने लिखा कि उन्होंने गुलाम इसहाक खान को यह कहा था कि जनरल हमीद गुल को पाकिस्तान का आर्मी चीफ बना दिया जाए। मतलब है गुलाम इसहाक खान का जवाब पढ़ लेंगे, भाई बात तो तुम बहुत अच्छी कर रहे हो, लेकिन अमेरिका कभी इसके ऊपर राजी नहीं होगा। तो ये आपको एक अक्कासी करता है हमारी मजबूरियों की कि हम कितने मजबूर हैं। यानी हमारी आजादी जो है वो बिल्कुल बराए नाम है, हमें मुल्क दिया गया लेकिन हमें आजादी तो नहीं दी गई। मेरा नंबर वन के ऊपर नाम जीएचक्यू से गया था, जनरल बेग से पूछ लीजिए, 6 आदमियों की लिस्ट गई थी, मेरा नंबर वन था, आसिफ नवाज का नंबर 6 था, लेकिन 6 वाले को बना दिया गया, नंबर 1 को छोड़ दिया गया। 6 वाले की मंजूरी अमेरिका से आई थी? मैं नहीं जानता, लेकिन ये एक बात तय है कि अमेरिका की मंजूरी के बगैर यहाँ आर्मी चीफ नहीं बना करते। सर क्या ये हकीकत है कि अमेरिका ने आपको DGISI के ओहदे से हटवाया था? बिल्कुल ठीक है, उसके बाद फिर चीफ जस्टिस, फिर वो आपको अमेरिका आपको बतौर आर्मी चीफ कैसे कबूल कर लेता? नहीं तो यही तो बात थी ना, ये तो प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक खान ने मुझे कहा था। क्या कहा था? जैसे जब वो रिकमेंडेशन हुई थी तो फिर वो नवाज शरीफ का और गुलाम इसहाक का डिफरेंस था, तो जिस वक्त हम आए गुलाम मोहम्मद के नाम के ऊपर, तो मैंने कहा ये सारे के सारे नामों में से एक ही आदमी शरीफ है और रिलीजियस माइंडेड है और इस वक्त इस फौज को दीन की बहुत सख्त ज़रूरत है, तो उसने कहा था कि इजंट वन इनफ ऑलरेडी, हाउ कैन वी हैव टू ऑफ यू। अच्छा, आपके बारे में इशारा कर रहे थे? मेरी तरफ इशारा कर रहा था। आपने कहा कि आप पहले जनरल हैं जिसकी लंबी दाढ़ी थी और आपने स्टैबो को और ट्रेडिशन को तोड़ दिया कि जनरल सिर्फ क्लीन शेव ही हो सकते हैं। हाँ तो मैं तो आप भी कहता हूँ हकीकत है। इससे पहले किसी जनरल की किसी जनरल की दाढ़ी नहीं थी ड्यूरिंग सर्विस? नहीं थी? नहीं। क्या मने है, ममानत है? हम अंग्रेजों के गुलाम थे, थे हैं, सकते थे हैं भी, अभी भी हैं।